हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। केम छो के मोना छो के शिकाय। तू कैसे हो आप लोग? मैं आ गई हूँ फिर से एक वीडियो के साथ। और मैंने कल का वीडियो नहीं बना पाई थी तो आज के ही वीडियो में सारा सारी कल का और आज का दोनों ही बात करेंगे हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं आज का धांसू वीडियो। तो जो भी चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। कल की बात करें तो जो करण कुंद्रा और तेजस्वी के बीच में रश्मि की वजह से जो हुआ था उसमें तो इनसिक्योरिटी वाली, मुझे जहाँ तक की लगता है इनसिक्योर वाली वर्ड रश्मि ने कहा था। तो जो भी अतीजा ने कहा या रश्मि ने कहा, किसने कहा पता नहीं, पर जिसने भी पहले कहा है वही गलत है फिलहाल तो। और करण को इतना मतलब हो रहा था, वो उन दोनों के बीच में वो बातें क्लियर करना चाह रहा था और वो दोनों लड़े जा रही थी। इसके वजह से ये बात कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई थी। फिर करण हो गए गुस्सा के भाड़ में, जाओ भाई तुम दोनों। पर एक बात मुझे करण की तो गलत लगी कि उसने कहा कि मेरे से 8 साल छोटी है, कुछ इज्जत नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, ये सब बोला। उसके बाद दोनों के बीच में पैचअप तो हो गया, बातचीत हो गई, करण गया उसके सामने, बातचीत हुई, सब हुई। फिर टास्क में जो हुआ वो तो कमाल ही हो गया। नॉमिनेशन था या क्या था, स्पेसशिप वाला टास्क था तो मस्त ही था। तो बात करिए और अगले एपिसोड की, तो राजीव बेचारा सोच रहा है कि मेरे साथ कौन है, कौन है, समिता है या फिर उमर है, कौन है मेरे साथ, पता है उससे बेचारा सोच रहा मेरे साथ है कौन। और डेवोलिना का भाई बिग बॉस के घर में आते ही दिमाग खराब हो चुका है, पागल हो गए, ये पागलपन का दौरे आ रहे हैं, क्या कमी हो गया है पता नहीं, कोविड का कुछ हो गया है या क्या हो गया है पता नहीं, कुछ तो हुआ है। पर देवोलीना का घर में आते ही एकदम तहलका मचा के रखा हो, एकदम जो कोई भी पॉइंट हो उठा के बोलने लगती है, चाहे वो बिचुकुले पे हुआ, उसने बिचुकुले बोल रहे थे कि उसकी वो भली माँ का बेटा है, बस उस पर इतनी चिढ़ी है भाई, इतनी चिढ़ी है क्या बोले ही हम, उस पर कुछ बोले ही नहीं जा सकता। और करण और रश्मि जब बातें कर रहे थे उसके बारे में, तो तेजा बार बार वहाँ जा रही थी और फिर बोल समिता को, समिता ने जैसे कहा क्यों इस तरह से अगर तुम बात करोगे तो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, आई डोंट वांट दिस कॉन्वर्सेशन। तो फिर चले गई समिता। उसके बाद समिता ने जो बोला एकदम कड़क था और चले गई वहाँ। और देवोलीना ने रश्मि को क्या क्या नहीं कहा भाई, बिग बॉस 13-14 को लेके आ गई कि 13 में के पीछे तुम पड़ गई थी, अभी तुमको कोई मिला नहीं तो मेरे पीछे पड़ गई हो, ये सब बोल रहे हैं। क्योंकि वो रश्मि तो चोर थी, वो चोर, उनको काम करना था अपना, तो वो सोच रही थी कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से वो सुनने जा रही थी। तो इसके पीछे पीछे आने की वजह से देवोलीना जो भड़की है रश्मि पर, पूरा 13-14-15 सब एक में मिला दिया भाई, बिग बॉस का सीजन रश्मि का कि अभी तुमको कोई मिला नहीं पीछे पड़ने के लिए, उस टाइम पे था उसके पीछे, तुम बिना मतलब के हाथ धो के पड़ गई थी, अभी मेरे पीछे पड़ गई हो, ये वो लगातार बोलती हुई दिख रही थी भाई। देवलीना का दिमाग एकदम सटक गया है। यशवी जाके देवलीना को बता रही है कि वो लोग तो बोल रहे हैं कि तुमने तो कुछ बोला ही नहीं कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो देवलीना का बताती है, देवलीना चल जाती है निशान से लड़ाई करने। देवलीना का जो निशान ने मुंह बंद किया ना, कड़क भयानक तरह से बोला है भाई कि मुझे फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड हो इसलिए बोल रही हो, मैं तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हूँ, 4 दिन में कोई दोस्त नहीं बन जाता किसी का। और आप लोगों की क्लियर दिख रही है कि राखी की आपकी और बिचुकुले जी की पे प्रायोरिटी तो प्रतीक है, और प्रतीक को ही आप लोग सपोर्ट करते हो, मुझे तो करते नहीं हो, फिर आप आ जाके मुझे बोलोगे कि मैं आपको सपोर्ट करती हूँ तो कैसे मान लूँगा भाई मैं, तो यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप है नहीं मुझसे, आप लोग मुझे मत पट्टी पढ़ा। निशान ने भाई कड़क लड़ाई की है, देवलीना का मुंह बंद कर दिया भाई, मजा आया। और टास्क में भाई सब एक दूसरे को नॉमिनेट करने के बजाय खुद नॉमिनेट होना इसलिए चाह रहे थे क्योंकि भाई रितेश है, बिचुकिले हैं, अगर वो लोग उन लोगों के साथ में नॉमिनेट हो भी जाते हैं तो रहेंगे, क्योंकि जाएगा तो बिचुकिले या फिर रितेश, इन्हीं दोनों में से कोई घर जाएगा अभी फिलहाल, तो अभी नॉमिनेट हो जाते हैं उन लोगों के साथ, तो जो भी होगा उनके उन लोगों के साथ वो तो बचेगा, इसलिए
वो लोग सोच रहे थे कि मैं हो जाता हूँ, तेजा बुद्धि मैं हो जाता हूँ, निशान बोलता मैं हो जाता हूँ, देवली ने बोलती मैं हो जाता हूँ, तो वही हो गए। उसको पैसा बर्बाद पे। और देवोलीना को तो भाई कोई भी थोड़ा सा मौका चाहिए, शुरू हो जाती चपड़ 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 चिल्लाना शुरू हो जाती बिचो गले। वाह क्या सीन है। और करण से मिता बात कर रहे थे, तेजा जब बीच में आ जाती है, मिता वहां से चली जाती है, तो बेचारा करण परेशान हो गया है। रात में जाके बोलता है कि भाई हम लोग रिश्ते को ना बाहर देखेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक चुका हूँ। तुमसे ना हो पाएगा। तेजा बोलती है कि तुम मुझसे परेशान हो गए हो क्या? तो बोलता है कि नहीं। अब बेचारा करण भी सोच रहा है कि मेरी वजह से मैं सब तरफ से ठीक करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ उल्टा पड़ जा रहा है, बिगड़ जा रहा है सब कुछ, सड़े के वार पे मुझे सुनाया जा रहा है कि ऐसा करता है वैसा करता है, अभी करूँ तो क्या करूँ, बेचारा समझ नहीं पाया है। तो उस बीच में बोला भाई इसको ही ख़त्म करो, इसी की वजह से सब हो रहा है। फिर उसके बाद भी बेचारा उन दोनों की अच्छे से सही से बात आने लगी, तेजा ने कुछ अच्छे हंसी मजाक किया, फिर स्टार्ट हो गया दोनों। तेजा जी भी टीवी में देखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, टीवी पे आने के लिए कह रहे, भाई मैं तो टीवी पे आ रहा हूँ, चलो हंगामा मचाते हैं, उमर से जाके लड़ रहा है भाई। अरे जीजा जी, जिस दिन उमर ने आपसे लड़ाई की ना, तो उठा के सीधे पटक देगा, कहाँ जाओगे पता भी नहीं चलेगा। रात में करण के ये बोलने के बाद इस रिश्ते को ख़त्म करते हैं ये वो, उसके बाद से तेजा ने कहा कि अच्छा ख़त्म करते ही हैं तो चलो रात में मेरे पास सो जाओ, कंट्रोवर्सी स्टार्ट करते हैं हम लोग। हंसी मजाक में इन दोनों का काफ़ी अच्छा क्यूट कपल है भाई, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दा। रश्मि जो निशांत को भड़काने की कोशिश कर रही थी, निशांत भाई इतना चतुर चालाक है ना कि बोलो तुम लोगों को सब कुछ चरा कर निकल लेगा, समझ जाना निशांत इतना चालाक है, तो उसे उल्लू मत बनाया करो रश्मि। समझ रहे हो। और निशांत ने एक बात कही थी कि तेजा दूसरों के कंधे पे रख के आगे बढ़ी है, ये तो बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि तेजा का अपना दिमाग है, वो खुद से खेलती है, कुछ अच्छी तरीके से खेलती है वो, तो वो अपने दिमाग से ही आज यहाँ तक पहुँची है, वो किसी के कंधे पे चढ़ के नहीं आई है, कंधे के सपोर्ट से नहीं आई है। सबसे अच्छा आज करण, शमिता और तेजा, निशांत, यही लोग नजर आए हैं भाई। शमिता ने जो स्टैंड रखा है कड़क, और निशांत तो क्या ही बोले। और बिचुकुल्ले जी भाई पप्पी शप्पी मांगने लगे हैं वो। बिचुकुले ने जो पप्पी मांगा है, आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा, वो गलत है या सही है, या देवो यूं ही भड़क रही है, देवो का तो काम ही है भड़कना, वो बेचारी दिखने के चक्कर में जो ना सो कर रही है, झगड़ा लड़ाई रश्मि को जो बोल रही है, कुछ भी बोले जा रही है, पता नहीं क्या कर रही है। और आगे हम लोग देखेंगे आज के एपिसोड में क्या होगा, और टास्क का क्या होता है, म्यूजियम वाले टास्क का, कोई भी कहीं पे जाके चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, यही सब हो रहा था। तो आगे देखते रहना ओनली ऑन कलर्स और 24 आवर इन वूड। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बाय।